स्वागत है ब्रह्मदेव आपका। थैंक यू जी। सबसे पहले देखिए कैसे ब्रह्मदेव का ये देखिए ये पर्सनली मैं मानता हूँ कि क्रिएशन सस्टेनेंस डिस्ट्रक्शन हर चीज़ में होता है, चाहे वो एक बच्चे के जन्म से लेकर उसके जीवन से लेकर उसके मरण तक हो। तो ये जो फिनोमेना है सस्टेनेंस का और क्रिएशन का और डिस्ट्रक्शन का, वो आप हर चीज़ में देख सकते हैं, पेड़ पौधों में देख सकते हैं, जीवन में देख सकते हैं, आमतौर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख सकते हैं। सो आप मतलब अगर आप उसको लाइक ब्रह्मा द बेसिक कैरेक्टर ट्रेट इज दैट ही क्रिएट्स राइट। तो ये भी जो कैरेक्टर है वो इसलिए वो सिनोनिमस है बिकॉज ये चीज़ें बनाता है, तो ये तो आविष्कार करता है, छोटे छोटे आविष्कार करता है। तो अगर आपने प्रोमो भी देखा है तो वो जो एक सांस में बात बोलने वाला जो एक रिदम है उसका बात करने का, वो इसलिए है क्योंकि वो इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में इतना क्लियर है कि आप अगर उससे कुछ बात करेंगे तो वो सोचने पर नहीं बैठेगा, वो सटाक से मुँह से धड़ाधड़ बात निकाल देगा। सो दैट विच इज़ वाई ये मस्ती या कोई भी ऐसी पिक्चर की तरह बिल्कुल नहीं है, किसी भी ऐसी पिक्चर की तरह नहीं है जहां आपने आज तक तीन लड़कों को देखा है एज हीरोज। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज एक तो आप पूरे परिवार के साथ में आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें कहीं भी ऐसा कोई ह्यूमर नहीं है जिसे सुन करके जिसे देख करके आप क्रिंच करेंगे या जिसे देख करके आपका पारिवारिक तौर पर अनकम्फर्टेबल होंगे। आप अपनी दादी के साथ, अपनी नानी के साथ, अपने नाती पोतों के साथ, जिसके साथ भी आप जाकर के ये पिक्चर देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। दूसरी बात ये विश्वास और अंधविश्वास के बीच में एक महीन रेखा होती है, कई बार ही बोल चुका हूँ कि त्रिदेव अगर किस बारे में मैं बताऊँ तो, और हमें खुद नहीं पता चलता कि विश्वास से अंधविश्वास तक हम कब चले जाते हैं। सो दैट्स व्हाट द फिल्म इज़ आल्सो अबाउट, दैट होप ऐसा पावरफुल ड्रग है कि उसकी कोई रकम नहीं है, इनफाइनाइट अमाउंट में खरीदा जाता है। आप मुझे एक दिन अपने जीवन का बताइए, अगर आप उस पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ को देखें तो आप एक बार कभी आंख खोल के देखें तो दिन में ऐसे कितने लोग अनगिनत आते हैं आपकी लाइफ में, आपको टच करके जाते हैं और आपकी लाइफ को किसी ना किसी तरीके से बरकत देकर जाते हैं। तो वो अगर भगवान का रूप नहीं है तो और क्या है, लेकिन आप उनको भगवान की तरह देख नहीं रहे हैं तो वो अंडरकवर। तो ऐसे अंडरकवर भगवान जो है रोज़ हर किसी के जीवन में आते हैं। सो इट्स दैट्स द कॉन्सेप्ट दैट यू नो इफ यू लुक एट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव देन एवरीथिंग इज अंडरकवर भगवान, एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर योर बेनिफिट। तो प्रोमो देख करके आपको रियलाइज़ हुआ होगा दैट यू नो तो एक जो कठपुतलियाँ होती हैं उसको नचाने वाला एक आदमी होता है, तो इस केस में वो इस पिक्चर में वो के जी हैं। एंड यू नो ही हैज़ आपने देखा होगा कि मतलब वो अपना घर भाड़े पे चढ़ाना चाहते हैं और उनके पास बढ़ोतरी नहीं आ रहे हैं, और फाइनली वो बढ़ोतरी आते हैं तो एक सर्टन धारणा के चलते कैसे उनके प्रति एक पर्सपेक्टिव बदलता है। दैट्स व्हाट द फिल्म इज़ ऑल अबाउट।